जी, एक ने पुष्ट पूछा है कि सब कहते हैं कि शादी का जो लड्डू है, खाएं तो मुसीबत, ना खाएं तो मुसीबत। और फिर एक तरफ जो है धर्म कहते हैं कि भाई शिव और शक्ति दोनों का मिलन होना बहुत जरूरी है, तो अब अध्यात्म की माने के लड्डू की माने वो देखिए, हम लोग तो ओशो के शिष्य हैं और जोरवादी बुद्धावादी हैं। निश्चित रूप से अगर खाने में भी तकलीफ और नहीं खाने में भी तकलीफ है तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि खा ही लो। कम से सही कम बात है, अनुभव तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा अपना। अभी तो बिल्कुल सुनी सुनाई बात है कि विवाहित लोगों से हमने सुना है, विवाहित लोगों के चुटकुले पड़े हैं, कॉमेडी में देखा है कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। स्वयं के भीतर तो लालसा है, प्रेम की चाहत है, हम चाहते हैं कि हम किसी से बहुत प्यार से जुड़ें और हमारे मन में सपना है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। ये हो सकता है दूसरे लोग गड़बड़ करते हैं, इनके जीवन में प्रेम कड़वा हो गया होगा, मेरे सपनों की रानी मुझे मिल जाए फिर देखना क्या होता है, स्वर्ग बसा दूंगा। हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, तो दूसरों की सुनी सुनाई शिक्षा के अनुसार अगर वह चला तो वो सदा ही पश्चाताप से भरा रहेगा, अपने जीवन को पूर्णता से नहीं जी पाएगा। इसलिए बेहतर है वह लड्डू खा ही ले। ठीक है, उसमें कड़वाहट भी है, मूंग का लड्डू है, कड़वाहट भी है, लेकिन प्रौढ़ता तभी आएगी जब हम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरेंगे, आपसी मतभेदों से गुजरेंगे, इसमें हमारा निखार होगा। एक बिल्कुल भिन्न प्रकार के व्यक्ति के संग जीना एक कला है जो धीरे 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 विकसित होगी, इसी का नाम तो प्रेम है। तो अगर हम छोड़कर भाग गए, विवाह नहीं किया, संन्यास्त हो गए, तो वह कला तो हम कभी भी ना सीख पाएंगे, तब हम केवल अपने अहंकार पूर्ण जीवन को जिएंगे। बड़ा रूखा सूखा और दीनहीन वह होगा, उसमें प्रेम की रसधार ना होगी। इसका विपरीत भी सच है, अधिकांश लोग संसार में खूब कष्ट भुगत रहे हैं, इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि प्रौढ़ता और समझ पैदा नहीं हुई। प्रेम की वजह से कष्ट नहीं है, प्रेम की वजह से तो महासुख और महाशांति अवतरित हो सकती थी। निश्चित रूप से शिव शक्ति का मिलन, राम सीता का मिलन, कि श्याम और राधा का मिलन, जो कुछ भी कह लो, हमारे देश में हमेशा ही हमने भगवान को, स्त्री पुरुष को संग साथ देखा है, अर्धनारीश्वर के रूप में जाना है। स्त्री भी अपूर्ण है, पुरुष भी अपूर्ण है, और प्रकृति ने दोनों के बीच में गहन आकर्षण पैदा किया है, और उनकी भिन्नता की वजह से उनका साथ रहना बड़ा मुश्किल भी है। लेकिन इस मुश्किल से गुजर के ही परिपक्वता आएगी, हम दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए एक मध्य का मार्ग निकालना सीखेंगे। किसी किताबों से नहीं सीखा जा सकता, विवाह से बच के नहीं सीखा जा सकता, सन्यासी होकर नहीं सीखा जा सकता, तो गृहस्थ के अनुभव से गुजरना ही होगा। इसलिए जब भी सवाल उठे कि करना कि नहीं करना विवाह, मैं हमेशा कहता हूं कर ही लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ मजा ही मजा आ जाएगा, सजा भी बहुत मिलेगी, लेकिन उससे गुजर के तुम्हें असली मजा लेने की कला सीखने को मिलेगी। संसार एक पाठशाला है, अगर कोई स्कूल को छोड़कर भाग जाए, कहेगी मैं परीक्षा दूं कि ना दूं, तो हम क्या कहेंगे? ये छोड़ के भाग जाओगे तो फिर तुम बिल्कुल असफल हो ही गए। वो पता कैसे चलेगा? असफलता तक का पता नहीं चलेगा, तुम अपने अहंकार में रहे आओगे, लेकिन ज्ञान तो हासिल नहीं हुआ, परीक्षा तो देनी होगी, है ना? फेल भी होना होगा, फिर सीखना होगा, हम ठोकर भी खाएंगे, अहंकार की टक्कर भी होगी पति पत्नी के बीच में 2500 बार, लेकिन वो ठोकर खाते 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 हमारे वो जो अहंकार की नोकें हैं वो घिसेंगी, और हम ज्यादा मानवीय, न केवल मानवीय बल्कि दिव्य प्रेम के लोक में प्रगति कर सकेंगे। तो लड्डू खाओ। निश्चित रूप से तभी पता चलेगा। एक प्रश्न और है कि जनरली महिलाएं हमेशा एक पुरुष के प्रति समर्पित रहती है, लेकिन पुरुषों का मन जो है वो कईयों के ऊपर चला जाता है, वो थोड़ा मतलब तो जितना बेवफा पुरुष निकलता है उतनी महिलाएं नहीं निकलती, तो इसके पीछे क्या कारण है करके पूछ रहे हैं। इसको अगर हम हिस्टोरिकल और मेडिकल हिसाब से देखें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। करोड़ों साल के इस विकास क्रम में, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, स्त्रियां कमजोर रहीं, अधिकांश समय उनकी जिंदगी का प्रेगनेंसी में, बच्चों के पालन पोषण में गुजरा, वो डिपेंडेंट हो गई पुरुषों के ऊपर। पुरुष
पुरुष शिकारी था, पुरुष खेती किसानी करता था, पुरुष सैनिक था, वो रक्षा करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, भाग दौड़ करता था। स्त्री घर संभालती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी। ऐसा करोड़ों साल से चल रहा है। ये संभव है कि पुरुष कई स्त्रियों से प्रेम कर ले, लेकिन स्त्री के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसकी सुरक्षा का सवाल है, उसके बच्चों की सर्वाइवल का सवाल है। अगर ये पति उसको छोड़ देता है, इसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हर साल दो साल में वो गर्भवती हो जाती है, वो एक हिरण के पीछे दौड़ नहीं सकती शिकार करने के लिए, उसके बच्चों का क्या होगा, वो पीछे छूट जाएंगे। बच्चों की उसको देखभाल करनी है, शारीरिक रूप से वह कमजोर है, उसे सहारा चाहिए। सहारा तो फिर एक से ही हो सकता है। अगर वो बार 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 अपने प्रेमी को पति को बदलती है तो कोई भी उसको सहारा ना दे सकेगा। तो स्त्रियों के भीतर एक हिस्टोरिकल रूप से करोड़ों करोड़ों साल में एक जेनेटिक टेंडेंसी हो गई कि एक के ऊपर डिपेंडेंट होना है, उसको पकड़ के रखना है। इसलिए स्त्रियां बहुत ईर्ष्या से भरती हैं। उसका पति किसी की तरफ देख के मुस्कुरा भी ले तो उसकी जान पे आफत आ जाती है। ये उसके सर्वाइवल का सवाल है। वो मुस्कुराना कोई छोटी चीज नहीं है। अगर ये पति उस तरफ खिसक गया, ये बेचारी तो मारी गई। करोड़ों साल से स्त्रियां ना तो पढ़ लिख सकती थी, मौका ही नहीं था, ना वो कोई आर्थिक रूप से कुछ कर सकती थी, सब प्रकार से निर्भर थी। पुरुष स्वतंत्र था। ये तो हो गई एक हिस्टोरिकल बात। दूसरी, मेडिकल के हिसाब से भी अगर हम देखें, एक स्त्री के अंडाशय से महीने में एक बार एक ओवम रिलीज होता है। दो साल की एवरेज में एक बार एक अंडा निषेचित हो पाएगा, एक बच्चा बन पाएगा। दो साल में एक बार कम से कम एवरेज। पुरुष के वीर स्खलन में एक बार में 10 करोड़ जीवाणु निकलते हैं, स्पर्म्स निकलते हैं। एक पुरुष हजारों बच्चों को जन्म दे सकता है। स्त्री अपने पूरे जीवन काल में, समझो अगर हम काउंट करें उसके रिप्रोडक्टिव पीरियड 15 साल से 45 साल तक मान लें तो 30 साल, हर दो साल में भी एक संतान पैदा होती तो 15 संतान पैदा होंगी मैक्सिमम। जबकि एक पुरुष अपने जीवन काल में इतने संतान पैदा कर सकता है जितनी पूरी पृथ्वी की आबादी है। तो ये एक प्राकृतिक भेद है, और प्रकृति ने ऐसा न केवल मनुष्यों में, हम अन्य पशु पंछियों में देखें तो समझ में आ जाएगा, मनुष्य को अपन थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, पशु पंछियों में देखें, पुरुष को नर को ऐसा बनाया है कि वह बहुत 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 मादाओं के साथ संबंधित हो सके, उसके वीर का इस्तेमाल हो सके मैक्सिमम जितना हो सकता है। इस मादा को ऐसा नहीं बनाया है। तो यह प्रकृतिगत एक व्यवस्था ऐसी है, उसी से हमारे मन की संरचना हुई है। और स्त्री पुरुष को इस भेद को खूब अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि पुरुष का मन चंचल है, वह यहां वहां सब तरफ देखेगा, स्त्री एक पर टिकना चाहेगी। तो स्त्रियां मोनोगेमस हैं, पुरुष पॉलीगेमस हैं। तो पीछे हम चर्चा कर चुके हैं भिन्नताओं की। ये केमिकल भिन्नताएं हैं, ये शारीरिक भिन्नताएं हैं। इसको हमें स्वीकार करना होगा और इसके मध्य से हमें कोई मार्ग निकालना होगा।